नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अष्टो तक पर। मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। मित्रों, वैकुंठ चतुर्दशी की आपको हार्दिक शुभकामना। बताता हूं आपको कि वैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीपक जलाने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है और क्यों इस दिन इसको विशेष माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सर्वविदित है कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसे वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन हरि हर मिलन होता है, यानी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन होता है। लोग इसको वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस दिन शिव और विष्णु के जो भक्त होते हैं वो धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं, उत्साह करते हैं, इस दिन बहुत उत्साहित होते हैं। लेकिन खास तौर पे वाराणसी हो गया या फिर उज्जैन हो गया, वहाँ पर भगवान शिव की बहुत पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ दीपावली की तरह से इस पर्व को मनाया जाता है। इसी तरीके से आप मान के चलिएगा कि 14 दीपक जो है, क्योंकि चतुर्दशी यानी कि 14 भगवान को अर्पण किए जाते हैं दीपक। क्यों ये अर्पण किए जाते हैं, क्या इसको अर्पण करने से आपको लाभ मिलता है, ये भी जान लीजिए। वैकुंठ चतुर्दशी, जैसा कि जानते हैं, हिंदू धर्म के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और समस्त जितने जो कार्य होते हैं संसार के वो भगवान विष्णु के सानिध्य में होते हैं। और इसी दिन आपको बता दूं, इससे मात्र 3 दिन पूर्व शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष, उस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में होते हैं। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि चतुर्दशी के दिन वो जो दिन होता है वो 1000 कमल के पुष्प यदि आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके उन्हें अर्पण करें और तत्पश्चात भगवान शिव को अर्पण करें तो आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी होती है और साथ ही साथ आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ठीक यही दिन रहा हरिहर मिलन का कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र आज ही के दिन दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डे है। तो इस दिन बहुत धूमधाम से इस दिन को मनाना चाहिए और मात्र 14 दीपक गाय के घी के भगवान विष्णु के मंदिर में या किसी सरोवर पर या किसी नदी के तट पर आप प्रज्वलित करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर, और सायकाल 14 दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। तो ये ऐसा कार्य है जो करने के पश्चात ऐसा कोई असंभव से असंभव कोई कार्य है वो भी पूरा होगा, क्योंकि इस दिन हरि और हर का मिलन हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डे, वैकुंठ चतुर्दशी यानी आपको वैकुंठ की प्राप्ति, वैकुंठ जैसा सुख आपको इस धरा पर, इस धरती पर रहकर ही मिल जाता है। तो ऐसे में भगवान शिव और विष्णु की पूजा अर्चना आपको अवश्य करनी चाहिए। और आपको बता देता हूं, इस दिन जो शैव और वैष्णव दोनों ही जो संप्रदाय हैं वो इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत इनको आनंद आता है भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के पश्चात। हो क्यों ना, आना भी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जो है संसार के पालन करता है और भगवान शिव संहार करता है। जो रोगों पर जो पकड़ है ना, जो आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भगवान शिव उसको जागृत कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, रोली मोली चावल धूप दीप से उनकी आरती करनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं, एक बिल्व पत्र लेकर भगवान शिव को अर्पण करें, आक अर्पण करें, धतूरा अर्पण करें। भगवान विष्णु को क्या अर्पण करें, पीला वस्त्र अर्पण करें, जो है पीला मिष्ठान अर्पण करें, 1.25 मीटर जो है पीला वस्त्र लें, पीला जनेऊ उन्हें अर्पण करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यदि आप देखेंगे और वहीं पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके मन का सोचा कार्य पूरा होगा, दाम्पत्य जीवन के कलह कलेश दूर होंगे, शारीरिक रोग दूर होंगे, आगे के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे, मार्ग की बाधाएं जो अवरोध हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से वैकुंठ चतुर्दशी पर आप अपने मन का सोचा हुआ कार्य अवश्य पूरा कर सकते हैं। और आपको बताता हूं कि किस तरीके से वैकुंठ चतुर्दशी पर आप अपने मन के सोचे हुए कार्य को पूरा बहुत जल्दी कर सकते हैं। आप एक कार्य करें, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और हल्के पीले वस्त्र धारण करें। पीली आप जो है हल्दी की माला लीजिए, ओम नमो नारायणाय या ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इसी मंत्र, इसी माला के द्वारा ईशान कोण की तरफ मुख करके आप जाप करना आरंभ कर दें। फिर देखिए आपके कार्यों में कितने तरीके से तेजी आ जाती है, करके देखिए और हमें फीडबैक दीजिए। तो मित्रों, आज के विषय में बस इतना ही। वैकुंठ चतुर्दशी आपके लिए बहुत शुभ हो, ऐसी में ईश्वर से, भगवान शिव से, भगवान विष्णु से, सभी एस्ट्रो तक के बंधुओं के लिए दिल से प्रार्थना करता हूँ। आने वाले समय जो है आपके लिए बहुत शुभ हो जाए, हर तरीके से ऐसी में प्रार्थना करता हूँ। तो एस्ट्रो तक की टीम की तरफ से भी आपको विष्णु जो भगवान शिव की जो वैकुंठ चतुर्दशी है उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामना।
तो एस्ट्रो तक पर बस इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ मैं आपकी सेवा में फिर से आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।